तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस फाइनली माइनक्राफ्ट 1.21 का ऑफिशियल वर्जन रिलीज हो चुका है। पर गाइस मेरे पास तो माइनक्राफ्ट ही नहीं है, तो आपके पास भी नहीं है तो आज मिलेगा इसका सोल्यूशन। ये है माइनक्राफ्ट 1.21 ऑफिशियल वर्जन। गाइस इसको मैंने कहाँ से डाउनलोड करा और आपको भी बताऊँगा इसको कैसे डाउनलोड करना है, तो बनी रहना वीडियो के एंड तक। तो पहले सबसे पहले देख लेते हैं माइनक्राफ्ट के फीचर्स। तो गाइस जो इसमें ऐड होने वाले थे लेकिन इसमें ऐड नहीं हुए अब तक, वो है सबसे पहला हार्ड कोर का ऑप्शन, जो कि हमारे वर्जन में ऐड होने वाला था लेकिन ऐड नहीं हुआ। गाइस जो अगला अपडेट है वो मोजैंग वालों ने काफ़ी अच्छा अपडेट किया है, जो कि है 100 डेज स्प्लिट। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको मैं बता दूँ, अगर आप सब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर अब तक नहीं करा है तो हमारे डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन कर लेना, वरना अगले जन्म में भगवान तुम्हें सुअर बनाएगा। अपडेट था हमारा जो कि ट्रायल चैम्बर, जो कि काफ़ी अच्छा अपडेट है, इसका मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था। और अगला मॉन्स्टर हमारा बीच, जो कि किसी काम का नहीं, और अगला विंड ब्रस्ट किसी काम का नहीं, अगला पोर्ट किसी काम का नहीं, अगली लूट किसी काम की नहीं, अगला बैरल किसी काम का नहीं, अगला एक और पोर्ट किसी काम का नहीं लूट। तो गाइस अगला अपडेट था अपना ओमनियस की और ओमनियस बोटल वाला, जो कि काफ़ी अच्छा लूट मिलता है और यहीं से आपको हैवी कोर मिलेगा। तो गाइस जिन्होंने अब तक माइनक्राफ्ट की 1.21 नहीं डाउनलोड करी उनको नहीं पता होगा, तो उन बिगिनर्स के लिए ये वीडियो है। तो गाइस मैं आप वीडियो को ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, तो इससे सीधा चलते हैं अगले अपडेट्स की तरफ, जो कि आर्मर डिलो, अगला वुल्फ आर्मर, और जो गाइस बड़ा अच्छा लगता है हमारे वुल्फ को सही में इमोर्टल बना देता है। गाइस अपने कुत्ते पे अब हम ट्राई, अभी ये क्या आ गया, अच्छा हेलमेट, वीडियो भी नहीं बनाने। गाइस अपने अब अपने वुल्फ पे हम ट्राई करेंगे, जब मैं मेज से ट्राई करूँगा थोड़ा सा ब्लॉक से ऊपर जाके, देखते हैं अपना कुत्ता इमोर्टल बनाए भी या नहीं बनाए, या मोजैंग वालों ने हमारे साथ स्कैम कर दिया। तो गाइस अब ट्राई करता हूँ ऊपर से जाके उसको मारने का, देखते मरेगा। अरे भाई क्या एनिमेशन आ रहा है गाइस इसका, देखो कितना मस्त इन्होंने, भाई कुत्ता सच में इमोर्टल बन जाता है इस वुल्फ के आर्मर को पहनने के बाद। गाइस अब पारी थी कुछ मेज की एन्चेंटमेंट टेस्ट करने की, तो सबसे पहले मैं इस पर लगा के देख लेता हूँ विंड ब्रस्ट, जो कि गाइस काफ़ी मस्त एन्चेंटमेंट है। जब आप ऊपर से गिरते हो तो कुछ इस तरह का एनिमेशन आता है, और ये देखो गाइस मैंने एक के बाद एक क्या क्लच किया मस्त वाला। तो गाइस अगली एन्चेंटमेंट है ब्रीच, अरे नहीं सबसे डेंसिटी है गाइस, डेंसिटी 4। तो गाइस जहाँ तक क्या मैंने सुना है, इस एन्चेंटमेंट को लगाने के बाद क्या होता है कि हम जितने हाइट से ऊपर जाते हैं उतना ज़्यादा अपना मेज का डैमेज बढ़ता है। तो गाइस इसको टेस्ट करने के लिए हम करेंगे अपने वीदर कह रहा हूँ यार क्या यार मैं भी टाइम पर अपने वार्डन पे टेस्ट। तो गाइस अब मैं चले जाता हूँ इतने हाइट पे कि देखने के लिए, लेकिन गाइस मैंने कोऑर्डिनेट्स ऑन नहीं करे, तो सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट्स ऑन करके देखता हूँ मैं कितनी हाइट पर आया हूँ। गाइस कोऑर्डिनेट्स ऑन करने के बाद मैं जाता हूँ 50 ब्लॉक्स ऊपर, और उससे भी ऊपर जा रहा था मैं, लेकिन जब भी मैं नीचे आके कूदता हूँ और वार्डन पे गाइस सीधा वन हिट करता हूँ, क्या वन हिट कर पाऊँगा गाइस मैं इसको, वन हिट हो जाता है गाइस वार्डन यहाँ पर सीधा। और गाइस आज की वीडियो में इतना ही, अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हमारे डिस्कॉर्ड को फॉलो कर लीजिए, बाय। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं